और दोस्तों तो क्या हाल है, क्या हाल है आपके? आपके तो बढ़िया ही होंगे। करना तब कैसे, क्या करना दगड़ो? ये बहुत ज्यादा थक चुके। मैं जान दो मेरी पसंदी पुष्पा मुझे का बहुत अच्छा बड़ा डायलॉग याद है, यहाँ पर 100 दिन गारंटी, काम पे आएगा नहीं साला। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, घर में होंगे। दोस्तों आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का ये ब्लॉग है मनरेगा रोजगार गारंटी अधिनियम वाला। तो आज मैं गारंटी यानी रोजगार के काम पे जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से गाँव में गारंटी का काम किया जाता है, किस तरीके के काम वहाँ पर होते हैं। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। अरे मैं नीचे वहाँ गांव की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर एक कार्य होना है। तो अभी मैं थोड़ा रास्ते में हूँ, तो आप ब्लॉक के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए कि किस तरीके से काम किया जाता है। चलो चलो चलो। तो गाइस आप यहाँ पर सामने गांव देख सकते हैं और जो काम होना है वो यहीं पर है। तो मैं यहाँ गांव की तरफ नहीं जाऊंगा, यहाँ पर मैं और भी लोगों का इंतज़ार करूंगा जो काम पर आएंगे। तो फिलहाल मैं यहीं पर हूँ और इंतज़ार करते हैं और लोगों का आने का। तब तक आप यहाँ का सीन देखिए। तो गाइस अभी हम चलें साइट की ओर, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए हमको काफ़ी टाइम हो गया था, अभी तक कोई आया नहीं, दो चार आए बस। अभी मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, ऊपर मतलब जहाँ पर कार्य होना है। पहले मैं आपको बता दूँ कि रोजगार गारंटी के अंतर्गत यहाँ पर गांव में जैसे क्या हो, क्या क्या काम होते हैं। जैसे होता है चेक डैम का काम होता है, लघु सिंचाई का काम होता है। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो है बाढ़ नियंत्रण का काम, मतलब यानी यहाँ पर जो भीड़ लगाई जाएगी वो बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए लगाई जाएगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ये कार्य किया जाएगा। काफ़ी टाइम हो गया इंतज़ार करते हुए, शायद लोग आलसी हो गए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए पीछे इस तरीके से यहाँ पर पुस्ता लगना है। तो गाइस मैं फाइनली लोकेशन में पहुँच चुका हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जाले लगे हुए हैं और पत्थर भी है यहाँ पर और ये भीड़ा है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो काम होना है यहाँ पर होना है, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये मेटल के जाले बिछे हुए हैं, इन जालों पर पुस्ता लगना है इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे कि ये जाला यहाँ पर, ये यहाँ पर देखते गदेरा है जहाँ पर बरसात में काफ़ी ज़्यादा पानी आता है और यहाँ आसपास खेत हैं जो आपको दिख सकते हैं, यहाँ पर खेत हैं आसपास। तो इन खेतों को बचाने के लिए इन गदेरे के इधर साइड और उधर साइड मतलब लेफ्ट राइट को इस तरीके से पुस्ते लग रहे हैं जिनको कि जाला भरा जाता है। और जब पुस्ता पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो ये इस तरीके से दिखेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी पानी बहुत कम है, परंतु बरसात के टाइम पे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी आता है और खेतों में पानी घुस जाता है, इस वजह से यहाँ पर ये जाले लगाए जा रहे हैं। तो ये हमारा कल का काम है, थोड़ा हुआ था और ये काम आज अब करेंगे हम पूरा। देखिए यहाँ पर सुबह आ जाते हैं 9 बजे और शाम को 5 बजे तक, और इनकी जो दिहाड़ी है वो भी विकास बोल रहे हैं कि दिहाड़ी बहुत कम है, 200 रुपये। तो मैं क्या करूँ यार, सरकार दे ही रही तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ। क्या है, काम भी भारी है। हाँ इतने बड़े बड़े पत्थर है, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं आप कुछ? हाँ कहना चाहती हूँ, बोलिए। कि काम भारी है। हाँ लेडीज भारी पत्थर उठाते हैं। तो यहाँ पर हमारे मिस्त्री लोग हैं, वो भी सर आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं काम पर। विकास जी यहाँ पर हथियार को निकाला जा रहा है, हथियारों को भी निकाला जा रहा है। विकास बहुत ज्यादा थक चुके हैं आज बैठ बैठ के। जो हमारी लेबर है वो थक चुकी है। ये मैं नहीं हूँ। कौन नहीं हूँ? ये मैं अपनी मम्मी के बदले मम्मी के बदले जा रही, मतलब अपनी मम्मी के बदले आई मैं। आज काली मैं दिल्ली से आई हूँ। कुछ भी
झूठ बोलने की आदत होती है, दिल्ली से आई हूँ। अन्याय में दिल्ली कब है? दिल्ली एक लड़े पर्स तो है दिल्ली वाटी रोड सुधी बस दिल्ली में। दिल्ली से मैंने वाला काम कुम कर लेते हैं घर में। दाढ़ी दूरी नहीं करनी सर। ऐसा लगा कि मैं दाढ़ी कर लेती हूँ आज। क्या करनी सर? नए सेलिब्रिटी जुड़े जो कुछ कहना चाहते हैं। पहले मैं गरीब थी कुछ ज्यादा नहीं होगा नहीं पहले ये गरीब थी कि मनरेगा पे आई 200 दिहाड़ी मिल रही। देखो मैं कपड़े तो देखो मनरेगा ही कितने फैंसी कपड़े हमारे। अरे ताई इसकी आज तो तबीयत खराब लग रही मेरे को। अरे तो गलत बात है कसम से, एक गलत बात है। हमारे साथ हमारी ताई अब काम पे आई, यहाँ पे लेंगड़े ढूंढ रही है। लेंगड़े ढूंढ रही है। एक तीर से दो निशान हो रहे हैं। व्याख्यान के लिए साग भी, सब्जी के लिए लेगड़े भी तोड़ दिए उन्होंने। बताइए ये है हमारे भाई धर्मेंद्र, डूगे निकाल रहे हैं। डूगे गाड़ते हुए कुछ दिन ये बर्फ में यहाँ निकलता काम कर रही है। जिस काम का कोई अच्छा तो मुंह को भी दिखो दे, ये नहीं दिखो। ये है मिस्टर धर्मेंद्र रावत। कुछ दिन पहले ये प्रचार में थे, कुछ दिन बर्फ में, जब इनका कुछ नहीं हुआ तब मनरेगा पे आ गए। बेस्ती नहीं वैसे इससे भी कुछ नहीं होगा। 200 में फिर कहीं और जाएंगे। परसों प्रधान से भी लड़े, 200 रुपए कैसे दिहाड़ी तो प्रधान 150। ये देखिए इनकी शक्ति का प्रदर्शन आ गया इस डूंगे को कैसे ऊपर निकाल। जिससे रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। यहाँ 5 ही दिन में केस रफा दफा हो जाता है। 6 दिन में केस रफा दफा हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये लेडीज यहाँ पे सोच में पड़ गई है, इनका जाने लग रही है सोच में, डिप्रेशन में चली गई। अब ये बजरंग बली बन गए, उठाएंगे डूंगे पुष्पा पे। बजरंग बल तो कम सालों से क्या है, मैं झुकेगा नहीं साला, मैं झुकेगा नहीं साला, मैं उठाएगा नहीं साला। मुझे पुष्पा मूवी का एक बहुत अच्छा बड़ा डायलॉग याद है, यहाँ पर 100 दिन गारंटी काम पे आएगा नहीं साला। मैं पांच दिन में केस रफा दफा कर देगा। यहाँ पर काफी थक चुके हो तुम है? थकनी नहीं आवर। मुझे अपने घर जाना है, मुझे ससुराल जाना है, मुझे सास के घर जाना है। कुछ भी जब लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 में, तो आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हो? और आपकी क्या मांगे हैं? मतलब मेरी मांग, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मेरी मांग है, कोई मेरी मांग भर दे। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। मेरी मांग भी यही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते तो आप क्या मांगे उनसे? बस तब होता क्या? राहुल गांधी जी ने हमें आश्वासन दिलाया है, हमें आश्वासन दिलाया कि पहले हम ऐसी टेक्निक निकालेंगे, ऐसी मशीन बनाएंगे कि जिससे पहले हम आलू डालेंगे और फिर सोना निकलेगा। अब उन्होंने आश्वासन दिलाया है, एक तरफ से पत्थर डालेंगे, दूसरी तरफ से ज्यादा भर जाएगा वो सीधे। मजा आया। तब हम देखते हैं तब क्या होता है। विकास 2000 कत्ती वाला चुनाव, जैसे मोदी जी कहते हैं कि विकास विकास हमने विकास है विकास 2000, तो हमारे सामने एक विकास यहाँ पे बैठा है। डेवलपमेंट ये करेगा, शायद मोदी जी इसी विकास की बात कर रहे थे। पर क्या करना, तब कैसे क्या करना दगड़ियों, ये बहुत ज्यादा थक चुके। मैं जान दो मेरी बसंती गारंटी का काम पर दोस्त, मैं आपको दिल्ली से आकर यहाँ कैसा लगा? हमें दिल्ली में ही ठीक थी, दिल्ली वालों की पर अलाम कांडे है मनरेगा वालों की। यहाँ वैसे गारंटी काम आता है, 10 दिन में रफा दफा हो जाता है, तब कोई कुछ नहीं। सरकार तो बोलती है कि हम 100 दिन का रोजगार दे रहे। देखो दगड़ो आप अगर गढ़वाली नहीं हो तो मत सुनना इसे, तब ठीक है ना? ये सिर्फ गढ़वालियों के लिए, ये सिर्फ गढ़वाली लोगों के लिए, आप नहीं समझोगे हमारी भावना।
भावना क्या भाषा भावना बोले तो भावना फीलिंग फीलिंग हमारी भावना ये है कि हमें अच्छे अच्छे ढूंढे दो और हम नीचे जाते पहले मैं इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी वहाँ भी मेरा कुछ भला नहीं हुआ अब मैं गारंटी के काम अतः मैंने सिलाई सीखी तब भी मेरा भला नहीं हुआ फिर मैं ब्यूटी पार्लर सीखने गई वहाँ भी भला नहीं हुआ अब तब मैंने अब ऐसे घाट पड़े ढूंढे ढूंढे निकालने शुरू कर दिए अब धीरे धीरे अब देखो मेरा कारोबार बढ़ता ही जा रहा है पहले ये बहुत अमीर थी फिर उसने गारंटी के काम पे आई अब ये 200 रुपए की दिहाड़ी करती अब मैं गरीब हो गई पहले मैं 200 रुपए ऐसे उड़ाती थी ऐसे उड़ाती थी मैं 200 रुपए और जब से लॉकडाउन लगा तब से तो 200 रुपए भी नहीं मिलते हैं 2 रुपए भी नसीब नहीं हो रहे वो नहीं होते लॉलीपॉप होते उसे खाने के लिए बच्चों की खुशमत करनी पड़ती है बागड़ बिल्लू नहीं ये एक शैम्पू के लिए रुपए मोदी शायद जिस विकास की बात कर रहे हैं वो विकास यहाँ पर बैठा है ये हमारे गांव का विकास ये गांव में इतना बड़ा विकास है ये कैसे बैठे हुए हैं बोलते हैं गारंटी काम पे जा रहे हैं मुझे लगता नहीं ये काम पे आ रखे या आराम करने आ रखे क्योंकि गर्मी इनको 200 रुपए की दिहाड़ी पे कौन करेगा भाई ऐसे काम तो यहाँ पर विकास बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आज लगे हुए हैं बेचारे सुबह से पत्थर तोड़ने में क्योंकि जाले को भरना होता है अब थोड़ी देर में यहाँ से काम करके घर जाएंगे खाना खाएंगे और ड्रीम इलेवन पर अपनी टीम बनाएंगे कि आजकल इनका रोज काम है ड्रीम इलेवन पर टीम बनाने का हमारी यहाँ पर चाय आ चुकी है ये हमें ये बहुत ही कड़कदार चाय है और इसमें जो बहुत ज्यादा मीठा पड़ा हुआ है इसमें जाके देखो जैसे कॉफी का होता है चाय हमारी एनर्जी ड्रिंक वो आ चुकी है क्योंकि बिना चाय के तो हम बिना चाय तो बरसात भी मौसम लग गया है कोई बात नहीं और चाय जिसने बनाई अच्छी बनाई बहुत वेरी गुड पद्मश्री पुरस्कार पता किसको मिलता है जो चाय नहीं बनाया था बड़े बड़े तो जो सरकार की तारीफ करी उसको पद्मश्री मिलता है जैसे कंगना रनौत को मिला ये बड़ी अच्छी बात कही आप हाँ सरकार की तारीफ की उसने की कहा कि हमको आजादी 2014 में मिली उसको बोलने का मतलब ये था कि जब से केंद्र में बीजेपी आई है तो अब से देश में वो हो रहा है तो मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूँ कंगना रनौत की तो बीजेपी के विरोध में हूँ मैं आऊ मैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे गांव की औरतें तो किसी से कम नहीं है देखो यहाँ पर बिल्कुल काम पे लगी हुई है देखिए यहाँ पर किस तरीके से आराम फरमा रहे तो मुझे लगता नहीं कि गारंटी के काम पे आए इनको घर में मोल डालना पड़ता है बहुत सारे घास काटना पड़ता है इसलिए गारंटी काम पे आई है ताकि यहाँ थोड़ा आराम करें क्यों सही बोल रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है ये सब मिथ्या है घर में हम बोर हो जाते हैं घर में हम इसलिए हम यहाँ ना ऐसे बोलना घर में ज्यादा काम करना पड़ता है इसलिए गारंटी पे आती हूँ देखो ये टाइम ये विकास यहाँ पे बैठा है ये बार बार टाइम देख रहा है कि कब 12 बजे कब मैं घर जाऊँ और दोस्तों तब क्या हाल है क्या हाल है आपके आपके तो बढ़िया ही होंगे क्या हमारी क्या बोलती हूँ उसे मेरी सबसे अच्छी मित्र परम मित्र घनिष्ठ मित्र ये आई थी गल नोनियाल ढूंढने आई थी मैं दिल्ली से वैसे तो मतलब नोनियाल से ढूंढ रहा है पर ये आई तब इनका थोपड़ा ऐसा हो मेरा थोपड़ा देख के उसने ये दिल्ली से आई थी इसलिए बुलाया गया था ये हाथ पत्थर उठाने के लिए थे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के लिए आते हैं इनका इंट्रोडक्शन इनसे सुनिए इनके मुखमंडल से बोल रहे इनके मुखमंडल से कमाल का मार भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ इनके मुखमंडल से इनका इंट्रोडक्शन सुनिए ये हमारे विकास भाई अब ये घर जाएंगे खाना खाएंगे और ड्रीम इलेवन पे पैसा लगाएंगे इनका रोज का काम है ड्रीम इलेवन पैसा लगाना ये है वो शख्स गौर से देखिए इस शख्स को आपने इसको कई नदियों में गारंटी के काम ये आजकल यूक्रेन से बाकी आया इसको रोजगार मिल गया यहाँ इसकी जान बच गई जान बची तो लाखों लौट के बुद्धू घर को आए
किस तरह कठिन परिश्रम करते हुए। इन्होंने वाली कहानी पढ़ी थी जिसमें वो कहते हैं करत करत अभ्यास रसरी आवत जात वे सिर पर परत निशान। अरे इसी निशान के थ्रू इन्हें निशान दे रहे। इनका लक्ष्य से विचलित है ये। पहले मैं बहुत अमीर था, मैं गारंटी के काम से आया, अब और ज्यादा अमीर हूं। अब इसने घर को दो मंजिल बना दिया है। मैं आज खड़े कर चुका हूँ, बकरे नीचे से चिल्लाते हुए मैंने सरेंडर कर दिया है। मैं घर जा रहा हूँ। अब नए खिलाड़ी मैदान में उतर चुके। क्रिकेट स्टेडियम में फिर से खुशी की लहर दौड़ते हुए जंगल प्रेम बहुत बढ़ रही है ना जंग। तो गाइस आप देख सकते हैं नाम गारंटी का और यहाँ पे जुए मार रहे हैं। नहीं गाइस हम जुए मारे थे। उसकी लोई ढूंगे ढांगे पड़ गए। वो निकाल रहे थे। कहाँ पे गारंटी का और यहाँ पे जुए मारने का काम कर रहे हैं। गलत बात नहीं है। इसकी लोई लिख के नखरा कर दी। गाइस दिन के 12 बज चुकी हैं और टाइम हो चुका है घर जाने का, लंच का। तो अब घर की ओर चलते हैं। सारे लोग सारे घर के वो चले गए। हमारे साथ हैं रीता। बेइज्जती नहीं कर रहा मैं, सिर्फ बता रहा हूँ। तो अभी फिर से आना होगा 2 बजे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करूँगा क्योंकि इस ब्लॉग को मैं अब ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। तो आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ और इतने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और लाइक कमेंट करते रहिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। अच्छी बात कही आपने।